गाजियाबाद जिले में पुलिस का खौफ अब बदमाशों में साफ दिखाई देने लगा है। इसकी एक झलक शुक्रवार को लोनी बॉर्डर थाने में दिखाई दी, जहां दो बदमाश हाथ में तख्ती लिए सरेंडर करने पहुंचे। बदमाशों ने अपनी तख्ती में लिखा था कि मैं अब दोबारा अपराध नहीं करूंगा। अपराधियों ने पुलिस से हाथ जोड़कर गुजारिश भी की कि उनका इनकाउंटर ना किया जाए। आपको बता दें कि दोनों अपराधी लोनी थाने क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं और एक पर हत्या जैसा मुकदमा भी दर्ज है। जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस लगातार बदमाशों के इनकाउंटर कर रही, उसका डर भी इनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। बदमाशों का कहना है कि उन्हें अब पुलिस से डर लगने लगा है और वे आगे कोई अपराध ना करने का प्रण लेते हैं। कपिल, कहाँ से आए हैं? गांव रिस्तल से। रिस्तल से अभी आपके हाथ में तख्ती थी, आप थाना पहुंचे, क्या है कारण? पूरा जी, आत्मसमर्पण करना चाहते थे हम। किस लिए? डर की वजह से। क्यों? गोली लग रही, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमको। अच्छा, गैंगस्टर है जी। जी, तो आपने समर्पण करना है जी। क्या नाम भी आपका? सागर। सागर, आप लोनी थाना बॉर्डर पहुंचे हैं, तख्ती आपके हाथ में है, किस लिए पहुंचे हैं? सरेंडर करना है। किस लिए? मतलब कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? हाँ जी, गैंगस्टर एक्ट में वांछित। फिर आज आपने सरेंडर किया? हाँ जी। किस वजह से सरेंडर कर दिया? पुलिस के डर की वजह से। अपराधियों ने पुलिस के पास जाकर कहा कि उनसे गलती हुई थी और अब वे अपने अपराध की सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन उनका इनकाउंटर ना किया जाए। इन अपराधियों ने ये भी कहा कि वे पुलिस की जांच में अपना पूरा सहयोग देंगे। जाहिर तौर पर जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, उसका असर भी दिखने लगा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरेंडर के बाद दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इनसे इनके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी ली जाएगी।